सारे क्लासेस की नहीं होती है, तो ये ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लासेस के लिए मैं भूल जाती हूँ। आज 21st सेंचुरी में भी भूल गई थी रिकॉर्डिंग ऑन करना। थैंक यू यस। तो फिर क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग ऑन किया है तो वी विल रिपीट इट। सो यहाँ से हमने शुरुआत की है। तो ये फर्स्ट पेज में सिर्फ आपको जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो उस सब्जेक्ट को टिक करना है। जैसे हमने आर्ट एंड क्राफ्ट तो डाला हुआ है एंड बाकी सब्जेक्ट भी अगर आप ले रहे हो तो जो भी है आपको लेना है। आपको टॉपिक डालना है, आपको सब्जेक्ट डालना है, आपको क्लास का लेवल डालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डालने हैं, टोटल टाइम कितना लगेगा वो डालना है। फिर टीचिंग एड्स, मतलब आपने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या क्या टीचिंग लर्निंग एड्स यूज किए हैं। तो जैसे कोई आपने वर्कशीट के साथ उनको एक्सप्लेन किया है, कोई अगर आप सैंड पेपर, राउंड पेपर, ग्रीन मार्बल, ये जो है ये उस पर्टिकुलर मतलब ट्री की जो एक्टिविटी मैं करा रही हूँ उसके लिए मैंने ये सारी चीजें वहां पे दी थी। कि जो मैंने आपको एक बताया था ना, वो ट्री निकाल के दिखाया था उसके फ्रूट्स एंड ऑल, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अभी मार्बल पेपर है, ग्लू है, स्केच पेन है, तो जो मुझे लगना है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाली है। तो आपको आपकी एक्टिविटी करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए तो वो सारे टीचिंग लर्निंग एड्स आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। देन आपका मेजर एम क्या है, इसमें से वो बच्चे क्या सीखेंगे। तो मेन फोकस और टारगेट टू बी अचीव टू एनहांस द टैक्टाइल सेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो टैक्टाइल सेंस मतलब जो टचिंग वाला होता है, तो उसमें सॉफ्ट, हार्ड, फाइन, देन जो भी चीजें हैं, जैसे बहुत ज्यादा टफ फेसेस होते हैं तो वो हाथों को कैसे लगते हैं, तो हम जो सेंसरी वाला एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो भी हम इसके साथ कर सकते हैं। तो एंड ऑफ कोर्स बाकी तो जो वो ये करेंगे, पेपर टेयर करेंगे, तो ये वाली पिंसल ग्रिप डेवलप होगी, हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेटर होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होगा। तो जनरल एम्स में वो सारी चीजें आप डाल सकते हैं। तो जनरल एम में टू रिकैप्चुलेट द कंसेप्ट ऑफ रफ एंड स्मूथ, टू एनहांस द टैक्टाइल सेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन, टू एनहांस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चिल्ड्रन टूअर्ड लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, टू डेवलप आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड पिंसल ग्रिप। तो ये मेरा जो पर्टिकुलर एक्टिविटी था उसके लिए अभी मैंने ये जनरल एम्स एंड ऑल लिखे हैं। अब आपकी एक्टिविटी जिस तरह से डिफर होती है उस तरह से आपका मेन फोकस एंड जनरल एम भी चेंज हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको वैसे डालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस में टैक्टाइल सेंसेस उनको उसका नॉलेज मिला, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन हुआ, उनकी पिंसल ग्रिप डेवलप हुई, उनका एनहांसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हुआ। तो अब ये जो कंसेप्ट है इसमें आप ट्री का कंसेप्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत काफी वेग और जनरलाइज लिखा है, बट अगर आपने वो एक्टिविटी लिखा मतलब ट्री वाला जो हमने लास्ट टाइम देखा था ना, मैंने ट्री ड्रॉ किया था, उसमें हमने फ्रूट्स वगैरह डाले थे एंड फिर हमने वो पूरा पेपर टेयरिंग एंड ऑल उसके साथ हमने किया था, तो वो जो है उसका एम क्या है, कंसेप्ट कौन सा इंट्रोड्यूस किया। एक था ट्री का कंसेप्ट, दूसरा था फ्रूट्स का कंसेप्ट, तीसरा था कलर का कंसेप्ट, चौथा था टैक्टाइल सेंसेस का कंसेप्ट एंड पांचवा था पेपर टेयरिंग। तो पेपर टेयरिंग में फिर आप बोल सकते हो कि उसमें उनका फिर ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, और पिंसल ग्रिप। तो ये जो है ये कौन से हैं, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड है। ये अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे लेकिन मैंने जो बताया वो आपको लिखना है एक्चुअली, इसमें एग्जैक्टली आपने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है। फिर डेवलपमेंट में कौन कौन से टाइप की डेवलपमेंट हो रही है, तो कॉग्निटिव यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हो रही है, सेंसोरियल डेवलपमेंट यानी कि उनके सेंसेस जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो इस टाइप का फायदा, उसका टाइप का बेनिफिट उन सबको होगा इस एक्टिविटी के थ्रू। तो ये सारे डेवलपमेंट के टाइप्स हो रहे हैं ये एक्टिविटी करने से। देन वोकैबलरी में कौन कौन से नए वर्ड्स ऐड हुए, तो हमने रफ एंड स्मूथ का कंसेप्ट बोला था, तो रफ एंड स्मूथ नया जो भी है वोकैबलरी में उनके ऐड हो गया। सैंड पेपर है, मार्बल पेपर है, ट्री है, बाग है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, कलर है, शेप है, इस टाइप के जो भी जितने भी वर्ड्स आप उसमें डाल रहे हो, यूज कर रहे हो, तो सारे वर्ड्स का लिस्ट यहाँ पे डाल दो पूरा। अब ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि जैसे आपको पहले जो एक्टिविटी आपने क्या प्लान की है तो उसमें आपकी एक्टिविटी क्या होगी। तो आपको जैसे एक वर्कशीट बनानी है जिसपे ब्लैंक एक ट्री बनाया हुआ रहेगा, उसमें बच्चों का नाम, रोल नंबर,
उसका जो भी है टोटल स्ट्रेंथ एंड ऑल अगर आपको लिखना है तो वो थोड़ा सा हेडिंग एक साइड में आएगा एंड देन एक्टिविटी का बस प्रिंट आउट रहेगा। तो ये आपको रेडी करना है। देन आपको उसमें क्या क्या लगेगा, जैसे आपको मार्बल पेपर लगना है, आपको वो स्टिक बिंदी स्टिकिंग हमने जो बोला था तो उसमें बिंदी लगनी है, तो और जो भी चीजें आपको उसमें लगनी है, तो जो भी टीचर्स का एक्टिविटी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो टीचर शुड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द ट्री दैट इज ओनली आउटलाइन एंड बार्क एंड लीव्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। तो उतने वर्कशीट्स आपको बनाने पड़ेंगे, उतने वर्कशीट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे एंड जो जो मटेरियल एक्टिविटी को लगता है, ग्लू लगेगा, अगर आपको और कोई चीजें चाहिए तो जो जो मटेरियल आपको लगेगा तो वो सब आप यहाँ पे मेंशन करें। देन टीचर्स की एक्टिविटी क्या है, अब टीचर पहले बच्चों को एक्सप्लेन करेगी कि एग्जैक्टली क्या करना है उन्हें। फिर टीचर क्या करेगी कि जो मार्बल जो उसके पीसेस है, पेपर के पीसेस है, मतलब हमने वो ओरिगामी पेपर लिया है, अब जैसे ग्रीन का एक टुकड़ा और एक ब्राउन का टुकड़ा, वो हर एक बच्चे को देना है एंड फिर उनको बताना है उसको टेयर करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेज इज शी एक्सप्लेन द एक्टिविटी, सेकंड स्टेज इज शी हैंड ओवर द मटेरियल टू ऑल द ऑल क्लास एंड देन वन बाय वन शी विल आस्क द स्टूडेंट टू कम फॉरवर्ड, मतलब वो जहाँ पे जैसे टीचर जहाँ पे बैठी है वहां पे उसका जिसका टर्न आएगा वो वहां पे आएगा एंड टीचर फिर उसको ग्लू देगी, फिर बच्चा ग्लूइंग करेगा, फिर वो स्टिकिंग करेगा, फिर बिंदी स्टिकिंग करेगा एंड दैट्स हाउ हिज एक्टिविटी विल कंप्लीट। तो शी विल हेल्प ईच एंड एवरी चाइल्ड, अदरवाइज द चिल्ड्रन विल डू बाय देमसेल्व्स, टीचर विल जस्ट मूव अराउंड द क्लास एंड शी विल जस्ट वॉच द एक्टिविटी। सो इन दैट वे ऑल्सो यू कैन डू एंड वन बाय वन ऑल्सो यू कैन डू। सो इन वॉट एवर वे यू हैव डन द एक्टिविटी you have to write step 1 step 2 step 3 step 4 in teacher's activity, then student's response। ab student ko kya kya karna hai, student ko paper tear kar jo paper mila hai wo paper tear karna hai, agar wo thode se bade bacche hai to wo sheet pe unka khud ka naam likhenge, otherwise jab aap unko sheet hand over kar rahe ho tabhi aapko unko unke naam ki worksheet deni hai ki ye kiske kaun se bacche ko aap de rahe ho, to accordingly aapko har bacche ke paas jaake agar bahut chote bacche hai jinko naam likhte nahi aata hai आपको क्या करना पड़ेगा, उनके पास जाके उनके वर्कशीट पे उनका नाम लिखना पड़ेगा, रोल नंबर अगर है तो रोल नंबर लिखना पड़ेगा, क्लास वगैरह जो भी डिटेल्स जैसे आप इस पे डालते हो आपके क्वेश्चन पेपर पे वगैरह आंसर पेपर पे, वैसे आपको एक्टिविटी शीट पे वो सारी डिटेल्स डालने पड़ेंगे एंड फिर उनको अगर वो भरते आता है तो दे विल फिल दैट डिटेल्स एंड देन दे व्हाट दे विल डू, दे विल टेयर द पेपर, दे विल ग्लू ऑन टू द एक्टिविटी शीट एंड देन दे विल स्टिक इट, then they will do the bindi sticking। ये सारी चीजें क्या है, ये बच्चों की एक्टिविटी है, तो आपको 1, 2, 3, 4 बच्चों के इसमें वो लिखना है। then इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया तो वो पार्ट आएगा एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा तो आपका ये ब्लैंक आएगा, नॉट अप्लीकेबल करके आप लिख सकते हो। अगर सचमुच कोई प्रॉब्लम था एंड हाउ यू सॉर्ट आउट और हाउ यू टेक ओवर और कम अप विद द सॉल्यूशन, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ लिखा है जैसे एज वन टीचर हैंडलिंग 20 किड्स वन आफ्टर अनदर, सो किड्स हु आर वेटिंग फॉर द टर्न मे डिस्टर्ब द क्लास बाय एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी लाइक रनिंग जंपिंग शाउटिंग एक्सेट्रा, तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम टीचर मे फेस। तो ये एक जनरलाइज प्रॉब्लम सभी को जो आता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ यू विल सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, एनीवन, दिस इज अ प्रॉब्लम। Will tell? Anyone? उनको गेम देकर, उनको गेम गेम देकर, ओके। और हाँ रो वाइज यू कैन कॉल देम, रो वाइज वी कैन कॉल देम, ओके। यस ऑल आर करेक्ट एज पर योर विश, टेल मी व्हाट एवर काइंड ऑफ थिंग यू विल डू, anything else? The activity we can ask first row to tear the paper, then we can explain to the second row, then hand over the second materials to the second row and take the first row to the gluing, then we can alternately give the step wise activity wherein they will be busy with their part of work where it can go smoothly. Okay, very good। सो टर्न वाइज उसको स्टेप वाइज डिवाइड कर लो एंड उसमें भी उनका पार्टीशन कर लो कि ये रो ये करेगी वो रो ये करेगी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। गुड, एनीथिंग एल्स?
Okay. This is all our fantastic ideas. And apart from that, what you can do is you can take the help of your assistants or I also. मतलब वहाँ पे जो class attendant है, आप उनकी help भी ले सकते हैं. तो आपको क्या करना है? आपको एक active अलग से जिसको हम बोलते हैं ना कि backup plan. तो बैकअप प्लान के लिए आपको क्या करना है, एक बैकअप एक्टिविटी भी प्लान करनी है. और वो बैकअप एक्टिविटी जो है वो एक साथ, मतलब जितने बच्चों को आप एट ए टाइम हैंडल कर सकते हो, जैसे क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो एट ए टाइम अगर आप 5 बच्चों के साथ आप हैंडल कर सकते हो, तो रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स के लिए आप एक बैकअप एक्टिविटी प्लान कर सकते हो. जो आप आया को समझा दोगे तो यू मे हैव सर्टेन काइंड ऑफ, जैसे कुछ टॉयज होते हैं या फिर कुछ अलग अलग टीचिंग लर्निंग एड्स होते हैं ना, तो सिंपल जैसे वो इसमें धागा ये बीट्स डालते हैं ना, उसमें लेस में बीट्स डालते हैं या फिर कुछ शेप वगैरह उसके कुछ होते हैं, तो दो तीन आप टॉयज उठा लो एंड आया को बोल दो कि जब हमारा ये हो रहा है तब तक यू कैन प्लान द एक्टिविटी विद दिस किड्स एंड दैट्स हाउ वी नेक्स्ट टाइम. यस, प्ले प्ले भी दे सकते हैं ना, कौन है? अच्छे बात, मेरे से बात कर रहे हो तो ठीक है मैम, उन लोग ना ही असिस्टेंट टीचर हेल्प करती है, टीचर नहीं होती है. क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही, कौन बात कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही. हाँ मैं रेशमा, आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ हाँ मैम, मैं बोल रही थी क्ले वगैरह भी दे सकते हैं बच्चों को. क्ले दे सकते हैं? हाँ तो ठीक है ना, वो पहले बोलते थे ना, मैं जो बोल रही हूँ तो इन बिटवीन पूरी क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, बाद में भी बोल, पहले भी बोल सकते थे. ओके, सो क्ले दे सकते हैं, सारे टॉयज दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये आप उनको असिस्टेंट टीचर को दे के इस तरह से उनको एंगेज रख सकते हो, ताकि फिर यहाँ पे एंगेजमेंट हो रही है तो पांच पांच जिनका टर्न एक्टिविटी का है तो सर्कल टाइम से उठेंगे एंड फिर यहाँ पे एक्टिविटी में आ जाएंगे. तो दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन मैनेज. If it is possible for you to manage in the rotation wise, आप आधे लोगों को ये and आधे लोग, अगर आपके पास समझो नहीं है कोई attendant या कोई staff नहीं है, तो class का कोई particular जो एक आधा अच्छा student आपको bright student लगता है, उसको आप वो जो particular teaching learning aid है उसको बता दो कि इसको आपको turn wise इनके साथ सबको ये करना है, तो आप ही उसमें से class monitor decide करके उनको वो एक्टिविटी प्लान करने के लिए बोलो, उससे उनका टीम वर्क भी बढ़ेगा एंड उनको थोड़ा सा सेल्फ डायरेक्टेड कुछ काम करना भी आ जाएगा. इस तरह से थोड़ा सा डिवाइड आपको उनको करके क्लास की जो डिसिप्लिन है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फिर आप बहुत मेहनत करेंगे आपके एक्टिविटी पे लेकिन फिर पूरा क्लास अगर डिस्टर्ब हो रहा है और बच्चे अगर मस्ती कर रहे हैं तो क्लास का डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, बाहर बच्चों की आवाज जाएगी तो आपको डिसिप्लिन में या फिर क्लास कंट्रोल में मार्क्स नहीं मिलेंगे एंड आपका परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास टाइम है उस टाइम को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए आपको थोड़े से स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिक्स यूज करने पड़ेंगे, कुछ आइडियाज डालने पड़ेंगे. तो बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल विथ यू, यू कैन डिसाइड हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू overcome and take out the solution out of that. Okay, so step wise आपको जो भी आप करोगे वो सारा उसमें लिखना है. अब ये होने के बाद फिर से एक दूसरा lesson plan आता है जिसमें आपको name of the teacher, date, age group, student के number, then name of the activity and जो भी material है उसको लिखना है. अब इसके बाद आपका question है how is it going to benefit the child. अब हमने एक्टिविटी लिया पेपर टेयरिंग का, पेपर स्टिकिंग का, अब ये पूछ रहे हैं कि अच्छा ये एक्टिविटी आपने लिया लेकिन ये कैसे बच्चों को हेल्प करेगा, किस तरह से बेनिफिट होगा बच्चों को. तो यहाँ पे हमने लिखा क्योंकि विद दिस एक्टिविटी चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड द कलर रेड एंड ब्लू एप्पल, इट विल ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड पेंसिल ग्रिप विच विल रिक्वायर्ड फॉर प्री राइटिंग स्किल्स. तो बेनिफिट क्या है, उनको हमने कंसेप्ट सिखाया, फ्रूट का कंसेप्ट सिखाया, कलर का कंसेप्ट सिखाया, तो ये क्या है, ये बेनिफिट है. इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, वोकैबुलरी में बहुत सारे वर्ड्स ऐड हुए हैं तो लिंग्विस्टिक स्किल्स ऐड हो गया. उनको हमने जब समझाया तो उन्होंने सुना, लिसनिंग स्किल्स बढ़ गया है ना. उसके बाद ऑफकोर्स ये कोऑर्डिनेशन, हाई हैंड कोऑर्डिनेशन ये बहुत बार हो गया,
लेकिन क्योंकि वो थोड़ा लिख वो जो भी कर रहे एक्टिविटी उसकी वजह से उनका प्री राइटिंग स्किल भी वहां पे डेवलप हो रहा है। तो ये सारे जो है ये बेनिफिट्स है। तो जितने आपको लगता है कि ये सारी चीजें जिससे अचीव हो रही है वो सारे बेनिफिट्स को आपको यहाँ पे डालना है। यही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आप माइंड में रख के सारे आर्टिकल में आपको आपकी एक्टिविटीज करते हो वही सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे बेनिफिट्स में मेंशन करने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन। अब आपने ये कर लिया एक्टिविटी, अभी आपको प्रेजेंटेशन करना है। तो प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो टीचर शुड शो द सैंपल वर्कशीट ऑफ एन एप्पल एंड आस्क देम टू आइडेंटिफाई व्हिच फ्रूट इज दिस। देन शी शो रेड कलर्ड मार्बल पेपर एंड टेल देम द कलर रेड। देन शो देम हाउ टू टेयर द पेपर इन स्मॉल पीसेस। देन शी शुड ऑल्सो प्रोवाइड ग्लू एंड वर्कशीट टू ईच चाइल्ड। Ask them to stick it on apple and she should encourage them to stick paper within the border of the picture. So this is how she has presented, hai na? Okay, this is worksheet. This is outline of tree or outline of apple. What you have to do is you have to take this paper, you have to tear it like this, then you have to glue the worksheet, then you have to stick the pieces of teared paper onto the worksheet. You have to take care that whatever borders are there, it should not go out of border, and inside the border only you have to stick the paper. And this is how what you'll do is you'll show the presentation of the whole activity. Now, how you will do the recapitulation? So, uska jo bhi repetition hai baad mein, wo aap kaise karoge? So, yahan pe answers jo likhe, of course, mera video kuch ho gaya. ऑफकोर्स ये जो है ये मतलब लिखा हुआ पार्ट ये आपके इसमें नहीं रहेगा, ये क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जो है उसमें ऑलरेडी चीजें हैं वो वाला लिया है, बट आपके इसमें जो ब्लैंक रहेगा तो उसमें आपको सब कुछ फिल करना है। तो जो आप फिल करोगे वो आपके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब जो एक्टिविटी आप लोगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये ऐसी ही नहीं आएगी चीजें, मतलब ये मत सोचो कि ये हो गया, मतलब ये मेरे पास है तो ये हो गया। तो यू हैव टू राइट इट अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी। अब जैसे रिकैप्चुलेशन में उन्होंने पूछा, ओके आज द चिल्ड्रन व्हाट वी डू टुडे, बताओ बच्चों आज हमने क्या सीखा। देन व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल, फिर आपने कलर आपने ऑलरेडी एप्पल एक्सप्लेन किया है, एप्पल का अगर स्टोरी बता दिया तो वेल एंड गुड, एप्पल की अगर राइम ली है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उनको पूछो कौन सा कलर उन्होंने सीखा, फिर जो वर्ड्स उन्होंने सीखे, जो कलर्स उन्होंने सीखे वो पूछो, फिर किसी भी एक किसी को एक को फ्रूट दिखा दो उसका कलर पूछ लो, फिर पोएम एक आधी ले लो, रेड इज एप्पल, रेड इज चेरी, रेड इज टोमेटो एंड स्वीट इज स्ट्रॉबेरी। अब इसकी ये कैसी है ट्यून मुझे पता नहीं, बट इसको हमने इस तरह से गा लिया एंड उसके उनके साथ अच्छे से गा के उनको सुनाओ। देन आफ्टर फिनिशिंग द एक्टिविटी कीप द वर्कशीट टू ड्राई एंड सेंड द चिल्ड्रन टू वॉश देयर हैंड्स एंड देन वाइप इट विद नैपकिन। हैंग द वर्कशीट इन द क्लासरूम। अब आपको क्लासरूम में हैंग नहीं करना है, जो भी है मतलब क्योंकि आप उस स्कूल के नहीं हो तो आपको बच्चों के साथ ही रखना है। जस्ट उसको क्या करना है, सारे वर्कशीट्स को हाथ में लेके आपको बच्चों के साथ फोटो निकालना है, ग्रुप फोटो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आई थिंक ये लेसन प्लान फिनिश। ठीक है, तो ये मिड टर्म वाला जो लेसन प्लान है ये फिनिश हो गया। मैक्सिमम यही वाला लेसन प्लान सबको फॉलो करना है, और एक है लेकिन देखते हैं अभी तो करना है कि नहीं करना है, करना है क्या फिर से, मैं थक गई अभी अभी कंटिन्यू दो तीन क्लासेस किया। ठीक है, तो इसमें कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज है तो पूछ लो। Ma'am, by what is the tentative date to submit the project? वैसे project तो आप आपके course खत्म होने से पहले कभी भी submit कर सकते हो, before commencement like आपके जो भी final exams and all है, अभी जिनका एक साल का है वो एक साल ले सकते हैं project के लिए, जिनका 6 महीने का है वो 6 महीने ले सकते हैं। But the thing is हर time पे schools available नहीं रहते हैं projects या internship देने के लिए, that's why I'm giving you this opportunity, क्योंकि एक दो महीने में अगर हो गया तो इस academic year में आपके projects हो जाएंगे, क्योंकि वो delay हो गया तो बहुत delay हो जाता है फिर, क्योंकि बीच में 2-3 महीने का gap आ जाएगा ना,
तो स्कूल्स बंद रहेंगे, एडमिशन का टाइम रहेगा, फिर जून में जब वो स्टार्ट होते हैं तभी उनके एडमिशन चलते हैं, बच्चे सेटल नहीं होते तब वो प्रोजेक्ट्स मतलब देते नहीं बाहर के लोगों को। फिर जब नया नया शुरुआत होती है तो कुछ दिनों के लिए एक दो महीना आप कर सकते हो, लेकिन फिर और प्रॉब्लम आते हैं। तो इस तरह से मैं बोल रही हूँ कि अगर इस एकेडमिक ईयर में पॉसिबल है तो कर लो, मार्च तक का टाइम है वैसे आपके पास इस एकेडमिक ईयर में।